धन्यवाद दोस्तों, आई एस एस का हम लोग का तरफ से स्वागत और अभिनंदन है। हाथ जोड़ के प्रणाम है अजय का सब लोग को। सो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। सो दोस्तों, आज ज़्यादा देर ना करते हम इस टॉपिक पे आते हैं। आज आप लोग को मैं इस वीडियो में ये चीज़ बताने वाला हूँ कि पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर पढ़ाई के बारे में हमें जरूर टॉपिक बताएं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठता हूँ तो कुछ दिमाग काम कर भी नहीं करता है, मन करता है सिर्फ मोबाइल चलाते रहूँ, मोबाइल बहुत ज़्यादा मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। सो दोस्तों, ऐसा सारी चीज़ें हम लेकर आपको इस वीडियो में पूरा डिक्लेयर बताने वाले हैं कि पढ़ाई में कैसे 100% अपना फोकस दें, पढ़ाई में अपने आप को पूरा जीवन कैसे अपना पूरा 100% फोकस कैसे दें अपना। सो दोस्तों, मैं ऐसे सारी चीज़ें लेकर इस वीडियो में आया हूँ, आप लोग को देर ना करते हुए इस टॉपिक चलता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, पढ़ाई में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उन लोग के लिए ज़्यादातर ये मोस्टली बहुत ताकतवर ये वीडियो है आप लोग को, कि आप लोग को पढ़ाई में एक जान डाल देगा, आपके शरीर में एक ताकत आ जाएगी, पढ़ने के लिए एक क्षमता आ जाएगा, एक रुतबा एक जुनून आ जाएगा इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एक भाई से वादा है कि आप लोग को जरूर आग लग जाएगी दिमाग में पढ़ाई के लेकर, आप लोग ज़बरदस्त पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो के देखते ही देखते। सो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, और भाई की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सो आप लोग का प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक छोटा भाई के लिए। सो दोस्तों, याद नहीं करते हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोग किस मकसद से पढ़ाई करते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मकसद, लक्ष्य क्या है हमारे पढ़ने का, आखिर हम पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस माइंड में समझना, आपके लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, कि लक्ष्य क्या है पढ़ने का, हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है, आखिर हम करना क्या चाहते हैं आगे पढ़ के, और कैसे किस सेक्टर में पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को ज़्यादा देर ना करते हुए कि आप लोग को पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए, माइंड कैसे डाइवर्ट किया जाए, सिर्फ ओनली पढ़ाई में ही फोकस। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात, या घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए ये बात, इसको माइंड में जरूर याद रखिएगा। किसी रास्ते में चलने से पहले ना, अगर ठिकाना का अगर हमें नाम नहीं याद है ना, तो हम रास्ते पर चलते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। किसी रास्ते पर चलने से पहले हमको ठिकाना का, कहाँ जाना है, किस सेक्टर में जाना है, ये याद रखना चाहिए। रास्ता ना मालूम रहे चलेगा, मगर ये जरूर दिमाग बैठना चाहिए कि नहीं हमें जाना कहाँ है और हम चल कहाँ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। तो दोस्तों, पढ़ाई के लेकर मैं आज आप लोग के लिए बताऊँ तो चाहूँगा कि सबसे पहले अपने माइंड में याद रखिए, आप लोग अपने को एक कमरे में बंद करिए, घर में पूरा लाइट व्यवस्था सब बंद कर दीजिए, कुछ भी पंखा नहीं, खुद का आवाज़ सिर्फ खुद की धड़कन और खुद की सांस कानों में जाना चाहिए। अपने आप से पूछो आप करना क्या चाहते हैं, दो मिनट शांत होकर आप अपने आप से पूछो आप करना क्या चाहते हैं, बार बार मेहनत करने पे एक नंबर से छट जा रहे हैं, दो नंबर से छट जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, दिमाग हमारा डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, अब इच्छा छूट रही है पढ़ाई को लेकर, हम पीछे हटेंगे, अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बाप मतारी ये तदुसर जगह काम कर करके हमको पैसे भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, मगर हम पूरा एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं पढ़ाई में, पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं चलो नेक्स्ट देखा जाएगा, नेक्स्ट देखा जाएगा, नेक्स्ट देखा जाएगा, ये नेक्स्ट क्या होता है। खुद को एक कमरे में बंद करिए और डिसाइड करिए कि हमको करना क्या है, सोचिए, माइंड दौड़ाइए अपना कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी ताकत क्या है पढ़ाई के लेकर, हम कितना परसेंट एफर्ट दे रहे हैं पढ़ाई को लेकर, या मेरी कितनी औकात है पढ़ाई को लेकर, अपने आप को खुद सर्टिफाइड करिए, अपने आप को बताइए, हौसला दिलाइए अपने आप को कि नहीं हमारे अंदर कितनी क्षमता है पढ़ाई को लेकर, हम कितना पढ़ाई में अपना लगा रहे हैं, कितना माइंड में अपने लगा रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं अपने माइंड को पढ़ने में। तो दोस्तों, आप लोग से
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये काम तो जरूर करिएगा आप लोग, ये कमरे में बंद करिए और पूरा अपने दिमाग पूरा ये दोनों आँखें यहाँ पर लगिए, यहाँ फोकस करिए अपनी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। बंद करिए उस दिन, सोचिए आधे घंटे एक घंटे तक सोचिए कि नहीं हमको करना क्या है, और उस दिन से ठानिए, कसम खाइए अपने आप की कि आज जो मेरा माइंड बोला है, जो मैंने सेट किया है यहाँ पे गोल, उस गोल से इस बुक में से उठा के उस गोल में डालना है हमें। आज सोचिए कि हमको IAS IPS या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हमको टफ करना है। कमरे में बंद करिए और पूछिए, बोलिए कि हमको टफ करना है, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। एक गोल बनाइए, एक रास्ता चुने, डिसाइड करिए, फिर उस रास्ते चलिए। वादा करता ये भाई आपको, आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है तो मैं वादा करता हूँ आप लोग को 100% कि आप वो करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। क्योंकि जो बात यहाँ से अगर यहाँ आ गई ना, बैठ गई ना, वो बात किसी का माई लाल उसे हटा नहीं सकता, न कि दुनिया कोई ताकत उसे भुला सकती है। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ आपसे जुदा हो जाएगा, दुनिया में हर चीज़ आपसे जुदा हो जाएगा, भाई माँ बाप मदारी, यहाँ तक कि पैसा आपका साथ नहीं देगा। आज जिस ऐसो आराम से आप मोबाइल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं ना, कल की ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी, कल का अंधेरा आपको डूब जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा तहे दिल से कि उस ऐसो आराम को भूल के आज की तकलीफ को याद करिए, गोल डिसाइड करिए और खुद को सर्टिफाइड करिए। खुद को सर्टिफाइड करिए और गोल डिसाइड करिए और खुद को बताइए कि हमको करना ये है, आज मैं करके रहूँगा और उसमें ठान के रहूँगा। मैं अगले बार एक वीडियो में भी बताया था कि कोई चीज़ नामुमकिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, नामुमकिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ बैठ जाए तो। दुनिया कैसी कोई ताकत नहीं है जो यहाँ बैठ जाए अगर बात उसे हटा सके, नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस दिल में बैठाओ और याद करो, याद करो उन लोगों को जो बहुत बड़े बड़े त्याग देके आज कहाँ से कहाँ है। परिश्रम और सफलता में बस एक चीज का फर्क है, जिद का। अगर जीत कर लिए तो पूरी दुनिया आपको टीम कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग गोल डिसाइड करके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप लोग का पढ़ाई 100% एफर्ट आएगा। आप लोग को बताना चाहेंगे कि एरिया गोल डिसाइड किया हमको करना क्या है, उस सेक्टर में चलिए। बिना गोल का बिना डिसाइड का पढ़ ही नहीं पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा आपका। तो आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा, पहले गोल डिसाइड करिए, अपने आप को एक सर्टिफाइड करिए, एक जगह बनाई, एक रूम बनाए पढ़ने का खुद का, सारे चीज़ें व्यवस्था करिए आप, और गोल डिसाइड करके उसी सेक्टर में आप चलिए, पूरा एफर्ट 100% उस सेक्टर में। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोग को लेके आने वाला हूँ। क्यों